मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में भोजपुरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया भाई के द्वारा एक दिया शहीदों के नाम दीपोत्सव एवं देशभक्ति सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लिया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को दीपावली के अवसर पर हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी भोजपुरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा आयोजित एक दिया शहीदों के नाम कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सर्वप्रथम गोरखनाथ मंदिर के भीम सरोवर पर आयोजित एक दिया शहीदों के नाम के तहत दीपक जलाकर वीर अमर शहीदों को याद किया। उसके बाद पूरे भीम सरोवर पर कुल 11,000 दीपक जलाए गए। तत्पश्चात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर के मुक्ताकाशी मंच पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में पहुंचे, जहां पर भोजपुरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया भाई के द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति की गई, जिसमें विभिन्न कलाकारों द्वारा अपनी कला का मुख्यमंत्री के समक्ष प्रदर्शन किया गया, जिसमें सबसे आकर्षक राम मंदिर पर आधारित प्रस्तुति आकर्षण का केंद्र बनी रही। इसके अलावा वीर अमर शहीदों के ऊपर भी कलाकारों द्वारा प्रस्तुति की गई। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वीर अमर शहीदों को याद करके भावुक हो गए। ये सभी कार्यक्रम भोजपुरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नन्हे कलाकारों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया। इस अवसर पर भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष व MLC डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, विधायक विपिन सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। बच्ची ने, इस 6 वर्ष की बच्ची ने बहुत रामायण की प्रस्तुति, छोटे छोटे बच्चे कितने उत्साहित हैं कि पूज्य महाराज जी के सामने इन्हें तकनीकी समस्या आ गई है, तो मेरे बच्चों का उत्साह ऐसे ही बढ़ा हुआ, जो सनातन धर्मियों के लिए गर्व का दिन आने वाला है कि राम मंदिर का जो हम अपने रचना प्रस्तुत करने की इच्छा व्यक्त की है। तो आइए हम मनोज मिहिर को बुलाते हैं और कृपा किया है, और मेरे राम जी ने स्वयं कृपा की, हमारे नायक महाराज जी बैठे हैं और हम सबके नायक
लेकर प्रभु श्री राम सीता मैया को लेके अयोध्या पहुंच गए। नहीं जो डगर से अपने शेर गुमानी झंडे में।